तो गाइस यहाँ पे किया हमने जुगाड़ आग का, इधर चला हुआ है बानू का संघर्ष चला हुआ है। इनसे चाय नहीं बन रही अभी, चाय क्या बन रही है, आगे नहीं बन रही है हमसे। इधर लगा है कि खलारा भाई थिया। एक्चुअली हमने पैकेज तो फुल लिया है जिसमें हमें ब्रेकफास्ट और डिनर मिलेगा, बट हमें पता है कि वो कैसा होने वाला है क्योंकि हमने चाय टेस्ट की, वही ऐसी थी कि क्या ही बताया जाए, क्या ही बताएं दोस्तों। दाल हमने डिनर में पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ मिक्स दाल है, पर हमें पक्का उम्मीद है कि वो कैसी होगी, पानी, उसका टेस्ट हमारे पानी में होगा। इसलिए हमने सोचा कि हम अपना सामान लेके आए तो क्यों ना उसका यूज किया जाए। तो हम बना रहे हैं मिक्स सब्जी आलू वगैरह। आलू छोटे कटने हो भाई, ये रहा ऊपर का नज़ारा, और यहाँ पे हमारी चाय वाला चाय आने वाला है इसमें। या ये बड़ी आग। तो गाइस फाइनली हमारी चाय एक घंटे के बाद बनके रेडी होगी और हमारी आग भी बहुत अच्छी जल चुकी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, पूरा रात साथ देगी हमारा। हाँ। वो एक अपने गर्मा गर्म चाय पीजिए, इतना अच्छा कलर आया चाय का कि वो भैया वाला कलर तो पूछो ही मत, काली काली चाय बनाई थी। और तो गाइस फाइनली तड़का लगने लग पड़ा है। लगी है वो भाई तड़का बढ़िया जो पाई ना कट्ठे पाई देने। हाँ सब कुछ ताई तो सब्जी जल्दी बननी। सेटिंग कर रहे हैं अभी आग की। हाँ, मजा आया हूँ कि बीरबल की खिचड़ी नहीं बन रही है अभी। एक्चुअली आलू थोड़े कच्चे कच्चे रह जा रहे हैं, एक्चुअली ठंड बड़ी ज्यादा है ना, तो लकड़ियां। तो गाइस आज का हमारा डिनर रहा, ये मटन है और ये आलू की सब्जी जो हमने बनाई है। मटन जो है हमारे फ्रेंड्स ने लिए, सास हुए भैया उन्होंने हमारी हेल्प की, एक और टेंट वाले थे उन्होंने बनाया था मटन। और ये दाल चावल जो दाल पूरी बीच में होगी है वो चावल चावल है, इसलिए हमने बनाया एक्चुअली। आज का डिनर, ये जो खूबसूरत और टेस्टी चीजें है ना ये हमने बनाई, बाद में खाएंगे इनको। ये हमने बनाई है, ये हमने जैसे कि बोला भैया ने दिए, और ये तो फिर जरा पानी में नमक घोला हुआ है। क्या रही है? तो फाइनली गाइस बहुत ज्यादा ठंड है, हमने पूरा अपना पैकअप कर लिया, सारा सामान एक तरफ रख लिया संभाल के, और अभी बस हमने सो जाना है। इंद्रा मेरा स्लीपिंग बैग, मैं भी सोने लगी हूँ, बहुत ज्यादा ठंड है और मेरे को लग रहा है टेम्परेचर माइनस में ही है इधर, और आग अच्छे से जली नहीं, तो हमने सोचा यही बेटर वे है, मच्छर को मार दूंगा तो भी सोते हैं। ओ शिट, चलो ठीक है, गुड नाइट गाइस। गाइस सुबह हो चुकी है, सुबह के 5:30 बजे शायद, 5 तो 5:10 गाइस हमारी नींद खुल गई है, और बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको, दिखाओ वाला। उठने का मन तो नहीं है, दोबारा सोने वाले हैं, बट ये नज़ारा देख के जी नहीं भर रहा है। और बाहर ठंड है तो मन कर रहा है कि सो गए। इधर रात को हमने आग जगाई थी, बोल बोल बस हम सो जाते हैं थोड़ी देर, और फिर 6:30 बजे उठ के फिर करते हैं। हे गाइस, तो फाइनली हम तैयार हो गए हैं और अब सुबह हो गई है, बारिश भी लग पड़ी है, हम रेडी जैसे रेडी हुए वैसे बारिश लग पड़ी है, और हम जा रहे हैं फेरेडी। उसके पीछे का नज़ारा कितना खूबसूरत है, फ्रेश फ्रेश जो है वो स्नोफॉल हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल हुआ है ऊपर, और ये जो सामने पहाड़ी है इसके पीछे है लेक। अभी बारिश हो रही है, हमें रुकना पड़ेगा, पहले चाय नाश्ता कर लेते फिर निकलते हैं, वो है ना। ठीक है, तो गाइस करेरी में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल स्टॉर्म लग पड़ा है, ओले ही ओले बरस रहे हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ आपके जाके। गाइस ब्रेकफास्ट भी आ चुका है, पराठे और बाहर लगी है, ओले बरस रहे हैं, ओले 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 ओले। तो गाइस हमारा तो ब्रेकफास्ट हो गया, एक पराठा था और चाय थी,
और मौसम जो है बाहर बहुत बढ़िया हो चुका है, लेकिन अभी तक भी जो हेल स्टॉर्म है वो रुका नहीं है। बाहर जो है बर्फ की सफेद चादर जो है वो गिर चुकी है। अभी हम लेट भी नहीं गए हैं और बारिश कंटिन्यूस लगी हुई है। अभी देखते हैं आगे क्या बनता है। ये हमारे बैकपैक से सामने हमारे गमले हैं और यहाँ पे गॉल ग्रुप बैठे हुए हैं और ये मेरा गुड्डू बैठा हुआ है। सो रहे हैं रेडी अब। बाहर का मौसम था, ये बर्फ की बर्फ और ये रहा पूरा पूरा इधर का नज़ारा। गाइस इधर का नज़ारा रात को कुछ और ही था और अभी कुछ और ही है। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। रात को वो सैटेलाइट से दिखी और आज हेल स्ट्रॉन्ग इतना ज्यादा। ये देखो नीचे दिखाओ। हाँ तो ये देखो हमने लगभग 2-2.5 घंटे वेट किया यहाँ पे, उसके बाद हमें ये विटनेस हुआ इतना खूबसूरत। हमने अलग अलग एक्सपीरियंस किया इस ट्रैक पे, बहुत ही बारिश बारिश में चलने का, बर्फ में चलने का, और साथ में रात में हमने देखी एक सैटेलाइट पूरी एक ट्रेन जैसी स्टार्स की। और अभी हम जा रहे हैं करेरी लेक देखने, कल हमने देखी नहीं थी। हाँ। और अभी आपको बताते हैं ऊपर जाके कैसा लग रहा है। फिसलने की पूरी पूरी संभावना है, तो आराम से पैर रखने पड़ रहे हैं। देखिए कितनी ज्यादा स्नो है, साथ में देखिए लेक खूबसूरत, सॉरी ये रिवर है खूबसूरत सी, और ये पूरा एरिया जहाँ पे हमारे टेंट्स वगैरह थे इतना खूबसूरत। और ये सामने सारे लोग हैं, सारी जगह बर्फ से ढक गई है। गाइस यहाँ से नदी क्रॉसिंग करेंगे अभी। इतना ज्यादा पानी नहीं होगा बट बारिश की वजह से अभी ज्यादा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ऐसे ही एडवेंचरस ब्लॉग्स और देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, और जितने ज़्यादा वीडियो पे शेयर आएंगे हम उतने ही ज़्यादा एडवेंचरस जगह पे जाया करेंगे और आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस बताया करेंगे अपना। फाइनली हमने इस रिवर को क्रॉस कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं ऊपर की ओर लेक की तरफ। बहुत ही ज़्यादा गाइज हम फाइनली अभी पहुंचने वाले हैं इधर। पैर काफ़ी स्लिप कर रहे हैं तो ध्यान से हमें चलना पड़ेगा। इधर रील्स बनाने को जोर दिया है, बहुत सुंदर लोकेशन है तो क्यों ना हर कुछ नज़ारा खींच ली बुढ़ी अम्मा की। दिस इज द व्यू, फर्स्ट व्यू ऑफ करेरी लेक After a snowfall. This is heaven. ये पूरी लेक जम गई है ना? Oh my God. और कुछ So beautiful. देखो लोग और ये पहाड़ नीचे से। ये रहा करेरी लेक के सामने है टेंपल और ये करेरी लेक और पीछे के पहाड़ और जो है इधर से जाता है मिनकियानी पास को रास्ता, वो भी है आगे सेवन लेक्स है, वो है 15 दिन का ट्रैक है पूरा। गाइस ये रहा शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर और वो शिव जी और पार्वती की मूर्ति है और शेरावाली माता और इसके सामने है लेक। गाइस फाइनली हम ये इतनी सारी मंदिर से नीचे सीढ़ियाँ उतर के आ गई इस पवित्र लेक से जो कि है करेरी लेक। चला है फोटो शूट और इधर का नज़ारा ही बहुत ही ज़्यादा मस्त नज़ारा है जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और आज सुबह तो हमारे लिए बर्फ भी करवा दी भगवान ने कि भी आप ये भी दृश्य देखें। और
तो फाइनली गाइज हमारा ट्रैक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अभी हम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको जितना हो सके उतना शेयर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं। ये किसने बनाया होगा, कोई कमेंट करके बता सकता है? किसने बनाया है? ये रिवर क्रॉसिंग फिर से हमने कर लिया और चल पड़े हम घर वापस। गाइस लेक देख के तो हम वापस आ गए, लेकिन यहाँ से जाना अब हमें थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है। बाहर हिल्स तो बहुत ज्यादा जोर से हो गए, आपको जरा बाहर दिखाती हूँ। भगवान ये पूरा भर गया और इतनी जोर से बारिश हो रही है। तो फाइनली गाइज हम निकल चुके हैं, बारिश रुक चुकी है, तीन चार घंटे के बाद बारिश रुक गई है। और ये रहा इधर का, वो तो चले गए हैं। एक्चुअली हम रुके थे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, तो अभी हम भी निकलते हैं। फाइनली गाइज हम मंदिर में पहुँच गए इधर, और हम नीचे पहुँच जाएंगे एक दो घंटे में। पानी का फ्लो बड़ा तेज है, ऊपर काफी ज्यादा बारिश हुई है, और हमारे साथ साथ ही और ये भाई जी। हे भगवान रास्ता कहाँ गया? गाइस हम उसी मंदिर के पास पहुंच गए, एक और मंदिर था शिव जी का, वहाँ पे हम पहुंच चुके हैं अभी। रास्ता काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस, रास्ते का कोई पता ही नहीं है, रास्ता खुद ही बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे भी ये इनके टेंट का बंदोबस्त है, और ये रहे शिव शंकर भोलेनाथ, बहुत ही बढ़िया नज़ारा। और ये रहा ब्रिज जो हम पिछली बार हम दिखा नहीं पाए थे आपको ना, क्योंकि उस टाइम पर लगी हुई थी बारिश, और हम बारिश में फटाफट आगे उस वाले तंबू में बैठे थे, वो जो ऊपर है। गाइस इधर आओ, और रास्ता डेंजर होता जा रहा है। तो गाइस फाइनली हमने ट्रैक कंप्लीट कर लिए, और हमें पुल दिख गया सामने से, हमें एक्चुअली गाड़ी दिख गई दूर से, तो हमें हौसला मिल गया कि हम पहुंच गए। सो ये फाइनली हमने कर लिया, बहुत प्राउड फील हो रहा है। कोई 24 या 25 किलोमीटर का ट्रैक हमने कंप्लीट कर लिया है। फाइनली वी डिड इट माधो, ये फाइनली। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।